अध्याय 12 कार्य एवं ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी। पिछले अध्यायों में हम विज्ञान की कुछ मुख्य अवधारणाओं जैसे वस्तुओं की गति, बल के कारण गति, गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्य एवं ऊर्जा भी विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने और उनकी व्याख्या करने में मदद करती है। इस अध्याय में हम इनका अध्ययन करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में कार्य तथा ऊर्जा शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में करते हैं, जैसे वह खेत में कार्य करता है, वह बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है आदि। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य एवं मशीन भी कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे विद्यार्थी घर से विद्यालय तक पहुंचने के लिए साइकिल चलाने या पैदल चलने में अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब रोशनी देने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। सोचें, उपयोग में ली गई ऊर्जा कहाँ जाती है? क्या ऊर्जा के उपयोग किए बिना कार्य किया जा सकता है? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे।